हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज तमन्ना एंड द वीडियो इज बेस्ड ऑन आरआरबी पीओ टारगेट्स डेली बेसिस, व्हाट वी हैव टू डू टुडे एंड व्हाट वी हैव टू डोंट एक्चुअली, जस्ट बिकॉज नाउ वी हैव अप्रोक्स एज यूजुअल। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बता रही हूँ, अराउंड 75 डेज लेफ्ट एंड वी हैव टू डू आर बेस्ट इन दीज 75 डेज। ओके, हाँ, पूरे 75 लगा सकते हो। जैसे 5 अगस्त को अगर हम आरआरबी असिस्टेंट का फर्स्ट एग्जाम लेकर चलते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा प्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, देन हमें मेन्स भी साथ प्रिपेयर करना है, जिससे हम वन स्टेप अहेड रहें उन स्टूडेंट्स के जो सिर्फ प्री कर रहे हैं। ओके, यू ऑल आर माई कॉम्पिटिटर, बट इसका मतलब ठीक है, मैं अपना काम कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे भी इससे ही प्रॉफिट हो रहा है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, कि मैं गलत बता रही हूँ चीज़ें या जो भी हैं, आई एम टेलिंग यू इन द राइट वे क्या चीज़ें सही हैं क्या नहीं है। यू कैन क्रॉस चेक फ्रॉम एनी वेयर कि जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं वो सही हैं या गलत हैं, तभी आप जाकर फॉलो करो उनको। ब्लाइंडली भी फॉलो किसी को नहीं करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट व्हाट वी हैव टू डू टुडे, स्टार्टिंग विद द ओलिवर्ड मॉक टेस्ट प्री आपको लगाना है, और इंग्लिश का सेक्शनल यहाँ से लगाना है, और उसके बाद में टेक्स्ट बुक से आरआरबी असिस्टेंट का प्री फुल मॉक आपको लगाना है। ठीक है, ओलिवर्ड एंड टेक्स्ट बुक, देन थर्ड हमें देना है एसके, एसके का टॉपिक टेस्ट, अभी जैसे मैंने एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था, वो आपको लगाने हैं। ठीक है, ये तीन आपके पास मॉक टेस्ट के सोर्स होने चाहिए, तीनों इनफ हैं, इससे ज़्यादा ना कम कुछ भी नहीं। अगर स्मार्ट गीड़ा की बात करूँ तो स्मार्ट गीड़ा के तो हम फुल मॉक लेंथ लगाकर ही जाएंगे, उससे पहले सोच रही हूँ टॉपिक टेस्ट लगा लें। जब अपना कॉल लेटर आ जाएगा, 15 दिन रहेंगे, तो डेली दो दो हम स्मार्ट गीड़ा के ही मॉक टेस्ट लगाएंगे। उससे पहले हमें ओलिवर्ड टेस्ट बुक को ऑलमोस्ट 50-70% कवर करना है। ठीक है, कि ठीक है, आरआरबी असिस्टेंट आरआरबी पीओ जितने तो मॉक्स हो ही जाएं, डेली एक दो करेंगे ना तो हो जाएंगे। ओलिवर्ड का भी हमें करना है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि प्री में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। ठीक है, ये बाद में ये नहीं रहे कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो मतलब होता है ना कि एग्जाम निकलने के बाद यार नॉर्मलाइजेशन सही हुआ ना फिर तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, ये चांस रहे ही ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू दैट। ओके, ये आपको करना है, और टेस्ट बुक का ईयरली पास इनफ रहेगा, स्मार्ट गीडा का ईयरली इनफ रहेगा, और ओलिवर्ड का एलाइट वाला इनफ है। ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई। उसके बाद में स्टडी आईक्यू करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करना है। नाउ सो मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि कौन सी कर रही हो कौन सी नहीं कर रही हो, आई एम नॉट वॉचिंग डेली वीडियोस। ठीक है, इनमें जो बेस्ट 300 की है और बैंकिंग अवेयरनेस की जो वीडियोस हैं, 6 वीडियोस आती हैं, 6 PDFs आती हैं, वही बस कवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो 6 नंबर है जो वो 15-20 तक भी ले गई तो इनफ है, और वो वहाँ से भी हो जाएगा। सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दीज। काफ़ी डाउट आए थे कल, जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने कहा था, आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम में मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल दिया था, तो वहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स का जो मेन डाउट था वो यही था कि करंट अफेयर्स में कौन सा कर रही हो। ओके, अगर आप डेली कर रहे हो देन वेल एंड गुड है, थोड़ा सा मेरे लिए डेली हेक्टिक हो जाता है, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट इन द टच विद द सीए सो मच। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं बहुत ऐसा रहता है कि खुद का उस माइंड में पीसफुली रहकर जितना हो सके उतना ही मैं जितना ऑब्जर्व कर सकती हूँ उतना ही मैं करूँ। ओके, बट आप अगर अच्छे हो क्रैमिंग में और अच्छी हो चीज़ों को रिटेन रखने में, देन यू मस्ट गो विद द डेली वन। ओके, उसके बाद में अरोड़ा एजुकेटर हैं, उनका कंप्यूटर करना है हमें। ठीक है, उनकी 89 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है, दैट इज इनफ, और अगर पेड पर जाना चाहो तो पेड पर भी जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में गाइडली मेंस बूस्टर की पीडीएफ हमें निपटानी है, 100 डेज की 100 PDFs आएंगी हमें, ये 90 डेज है हमारे पास, अप्रोक्स 90 डेज में तो हमें ये करना ही करना है। ओके, उसके बाद में तो फिर जैसे काफी टाइम से शुरू हमने कर रखा है, आरआरबी असिस्टेंट तक आने तक अगर हमने मेंस बूस्टर भी कर लिया ना तो वो एक बहुत अच्छी लीड होगी हमारे लिए। ओके, उसके बाद में फिर जो आपने करंट अफेयर्स किया और कंप्यूटर किया उसको फिर से रिवाइज करना है, ये आज का होल टारगेट रहेगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट बिलो द वीडियो, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको रिप्लाई कर सकूं। और इसके अलावा कोई मेन ऐसा डाउट नहीं था जो मैंने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपना देखा हो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो बता देना। इट मे बी, देखो क्योंकि कल ना बहुत मैसेज आए थे, सो आई वॉज थिंकिंग कि मैं वहां पर सारे रिप्लाई नहीं कर पाऊं, तो मैं वहां पर जो जो मैसेज दे रही हूं ना तो मैं इन वीडियोज में वो सारे 1 by 1 क्लियर करती चलूंगी, बट ऐसा नहीं हो कि मैं जो डाउट क्लियर कर रही हूँ फिर सेम बच्चा वही कोई दूसरा बच्चा के सेम डाउट पूछ रहा है, इससे मैं इरिटेट हो जाऊंगी। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कि यार बता दिया है, एटलीस्ट किसी और के डाउट में भी आपका डाउट क्लियर हो जाता है, तो उसको ध्यान से सुना करो, ये एक अपनी खामी पूरी करो। सो यही था इस वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।